हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। यार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आफ्टर ट्वेल्थ बायोलॉजी सब्जेक्ट में कौन कौन से कोर्स आप कर सकते हैं, और जिस कारण दोस्तों ये काफ़ी सारे जो स्टूडेंट हैं उनको ये पता नहीं होता है कि आफ्टर ट्वेल्थ साइंस बायो सब्जेक्ट के अंदर आगे क्या स्कोप है, साथ ही साथ में कौन कौन से कोर्स आप कर सकते हैं। आज की ये वीडियो पूरी कंप्लीट डिटेल्स होने वाली है। उससे पहले दोस्तों, अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ में दोस्तों, आज का जो इस वीडियो का श्रेय जाता है वो जाता है जर्मा समाज विकास संस्थान युवा शक्ति द्वारा। ये श्रेय उनको जाता है क्योंकि उन्होंने मुझे इस वीडियो को बनाने के लिए मोटिवेट किया है, उसके लिए उनका भी बहुत बहुत आभार। तो सबसे पहले दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट डिटेल से बात करेंगे कि आफ्टर ट्वेल्थ बायोलॉजी अगर आपकी कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद में आप कौन सा बेस्ट कोर्स कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी है, अगर कोई सातवीं आठवीं या नवीं दसवीं का स्टूडेंट भी है तो दोस्तों, अगर वो आगे क्या करना चाहता है तो उसके बारे में उसका विज़न अभी से क्लियर हो जाता है, जिस कारण उसको कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है और बहुत ही आसानी तरीके से वो जो भी गोल को प्राप्त करना चाहता है या जो भी वो बनना चाहता है, चाहे वो डॉक्टर हो या जो भी वो बनना चाहता है, तो वो आसानी से बन सके। इस वीडियो का यही मकसद है। तो चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा आफ्टर ट्वेल्थ बायोलॉजी, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले अलग अलग कोर्सेज यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे होंगे। तो सबसे फर्स्ट जो कोर्स है वो है आपको MBBS कोर्स आपको देखने को मिल रहा होगा। अब MBBS करने के लिए आपको क्या करना होता है? सबसे पहले दोस्तों, आपको जब भी आपकी 11th और 12th होती है तो आपको इसकी तैयारी करनी होती है। 11th से अगर आप तैयारी करते हो तो 12th ख़त्म होने तक आप कंप्लीट थोड़ा बहुत इसको अच्छी एक बार में तो आप नहीं निकाल पाओगे, पर फिर भी अच्छी अगर तैयारी करते हो तो आप एक बार में भी नीट को एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हो। सबसे पहले आपको नीट का एग्ज़ाम देना होता है। नीट का एग्ज़ाम देने के बाद आपको गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज में अपनी रैंकिंग के हिसाब से आपको सीट मिलती है। फिर उसके बाद में जो MBBS होती है, सीट मिलने के बाद दोस्तों MBBS 5 साल की होती है और 6 महीने की इंटर्नशिप होती है। तो किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर आपकी ये इंटर्नशिप लगती है। उसके बाद दोस्तों, इंटर्नशिप कम्प्लीट होने के बाद आपकी MBBS कंप्लीट रन रहती है और उसके बाद में आपको इसमें आगे स्कोप के लिए PG करनी होती है और अलग अलग जो भी आपका अकॉर्डिंग टू आपके इंटरेस्ट के हिसाब से इसमें अलग अलग जो भी आप, चाहे गायनिक हो या अलग अलग जो भी आपको इंटरेस्ट है, चाहे पैथोलॉजिस्ट हो, अलग अलग इंटरेस्ट के हिसाब से जो आपको चीज़ सिलेक्ट करनी पड़ती है। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट कोर्स है वो है नर्सिंग से रिलेटेड। नर्सिंग में आपको दो चीज़ें देखने को मिलेगी, BSc नर्सिंग जो कि 4 साल की होती है और GNM जो कि 3 साल की होती है। ये दोनों चीज़ें होती हैं नर्सिंग के अंदर। आप BSc नर्सिंग 4 साल की होती है और काफ़ी पॉपुलर है, सभी को पता ही है BSc नर्सिंग के बारे में। और इसका भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम होता है जिसमें केवल आपको प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है, तो ऐसे में इसमें गवर्नमेंट कॉलेज भी मिलता है। और साथ ही साथ में फिर जो दूसरा कोर्स है उसकी हम बात करेंगे, वो है ANM से रिलेटेड। तो ANM केवल और केवल गर्ल्स कर सकती है और ये 2 साल का कोर्स होता है। और फिर उसके बाद में जो दूसरा कोर्स है वो है फार्मेसी से रिलेटेड। फार्मेसिस्ट में 2 चीज़ें आती है, फर्स्ट जो होता है डी फार्मा होता है जो कि 2 साल का होता है, जो डिप्लोमा होता है, और जो बी फार्मा होता है जो 3 साल का होता है। और फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट कोर्स है वो है पैरामेडिकल का कोर्स। और पैरामेडिकल के अंदर काफ़ी सारे कोर्स आते हैं। पैरामेडिकल हॉस्पिटल की एक बैकबोन जिसे हम कह सकते हैं, और इसके अंदर काफ़ी सारे अलग अलग कोर्सेज आते हैं। कौन कौन से कोर्सेज आते हैं यहाँ पे? पैरामेडिकल की जो 12 डिप्लोमा कोर्सेज है जो सभी 2 साल के हैं और इनको RPMC रन करती है। मैं आपको भी बता देता हूँ कौन कौन से कोर्सेज है। और ये सबसे फर्स्ट जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 12 डिप्लोमा कोर्सेज, ये सभी कोर्स 2 साल के होते हैं और इनको जो यूनिवर्सिटी चलाती है वो चलाती है RPMC, राजस्थान पैरामेडिकल काउंसलिंग इसको रन करती है। और पैरामेडिकल आप देख सकते हैं नंबर 1 पे जो डिप्लोमा है वो है डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, ठीक है। फिर उसके बाद में डिप्लोमा इन रेडिएशन टेक्नोलॉजी, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन डिप्लोमा। में क्या होता है कि जब भी आप किसी भी लैब के अंदर काम करते हो, काफ़ी सारे अलग अलग लैब्स होती है,
गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर भी आप काम कर सकते हो, चाहे माइक्रो की अलग सेपरेट लैब हो गई, पैथोलॉजी की लैब हो गई, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे काफ़ी सारी लैब्स होती हैं उनके अंदर आप काम कर सकते हो इस कोर्स को करने के बाद। और साथ ही साथ में डिप्लोमा इन रेडिएशन टेक्नोलॉजी अगर आपका हो जाता है तो एक्सरे एज ए एक्सरे आप एक्सरे लेना और किसी भी हॉस्पिटल में काम करना, जो एक्सरे का काम करता है वो ये डिप्लोमा करता है। फिर उसके बाद में डिप्लोमा इन डेंटल टेक्नोलॉजी, तो ये डेंटल से रिलेटेड जो भी होता है और ये डिप्लोमा भी 2 साल का होता है, साथ ही साथ में आरपीएमसी यूनिवर्सिटी भी रन करती हैं। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट डिप्लोमा है 4th नंबर पे, वो है डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, तो ये डिप्लोमा भी काफ़ी बेटर है। ओटी के अंदर जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको ऑपरेट करना, साथ ही साथ में उनको तैयार करना, पेशेंट को तैयार करना, पेशेंट को ऑपरेट करना। फिर उसके बाद में डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन ऑर्थोपेडिक टेक्नोलॉजी, और फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट डिप्लोमा है डिप्लोमा इन ईसीजी टेक्नोलॉजी, और साथ ही साथ में जो 8th नंबर पे डिप्लोमा है वो डिप्लोमा इन ब्लड बैंक टेक्नोलॉजी। अगर ये डिप्लोमा कर लेते हो तो आपको ब्लड बैंक के अंदर आसानी से जॉब मिल सकती है, और ब्लड बैंक के अंदर जो काफ़ी सारे आपने देखे होंगे लैब टेक्नीशियंस वो ये डिप्लोमा करते हैं स्पेशली। साथ ही साथ में इस डिप्लोमा का करने के बाद आपके नाम से ब्लड बैंक भी इशू होता है, लाइसेंस मिलता है। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट चीज़ है वो है डिप्लोमा इन इंडोस्कोपी टेक्नोलॉजी, यहाँ पे पैथोलॉजी का भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल होता है, जो मेन इंचार्ज होता है वो पैथोलॉजिस्ट रहता है। फिर उसके साथ में भी हाफ में अपन एज ए लैब टेक्नीशियन, और फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट डिप्लोमा है 9th पे डिप्लोमा इन इंडोस्कोपी टेक्नोलॉजी, फिर उसके बाद में 10th नंबर पे डिप्लोमा है डिप्लोमा इन ईईजी टेक्नोलॉजी, फिर 11th नंबर पे जो डिप्लोमा है वो है डिप्लोमा इन कैथ लैब टेक्नोलॉजी, और फिर 12th नंबर पे जो डिप्लोमा आपको दिख रहा होगा डिप्लोमा इन ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजी। ये 12 डिप्लोमा पैरामेडिकल कोर्स के थे, आप इनमें से जो भी आपको इंटरेस्ट हो वो आप कर सकते हो। और काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ ये वीडियो, ये डिप्लोमा इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी तक लोगों को इन डिप्लोमास के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है, बिल्कुल सिलेक्टेड लोग ही है। और जो पॉपुलर डिप्लोमा है, जैसे मान लो डिप्लोमा DMLT हो गया या DRIT हो गया, जो एक्सरे और लैब, ये अभी फ़िलहाल में यही पॉपुलर है, बट ये अभी पॉपुलर नहीं है। और इनके अंदर भी काफ़ी सारी वैकेंसीज निकलती हैं, और साथ ही साथ में अभी अपन लेटेस्ट की बात करें तो लेटेस्ट में जो वैकेंसी निकली है वो निकली है डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन रेडिएशन टेक्नोलॉजी, और साथ ही साथ में डिप्लोमा इन डेंटल टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन ईसीजी की भी निकली है अभी जस्ट, और साथ ही साथ में ऑप्थेल्मिक की भी निकली है। तो ऐसे में इन डिप्लोमास अगर आपने कर रखे थे तो अभी जस्ट वैकेंसी निकली थी, तो ऐसे में गवर्नमेंट होने के चांसेस पूरे थे। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट अगर आफ्टर 12th अपन कोर्स की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा BAMS। अगर आपकी फुल फॉर्म की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको नीचे की साइड में पूरी सभी फुल फॉर्म आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो BAMS की अगर हम बात कर ले तो बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, ठीक है, ये एक कोर्स है जो आप आफ्टर 12th बायोलॉजी आप कर सकते हो, और उसके बाद में ये 4 साल का कोर्स होता है। फिर उसके बाद में आप MD कर सकते हो, और उसके बाद में आफ्टर 12th बायोलॉजी नेक्स्ट जो कोर्स की हम बात करेंगे वो है BDS, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, और ये भी 4 साल का कोर्स होता है। और फिर उसके बाद में BDS होने के बाद आप MDS कर सकते हो, मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी। और फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट कोर्स है वो है BHMS जो कि 5.5 साल का होता है, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। और फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट कोर्स है वो है BVSC जो कि 5 साल का होता है, बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस, ये कोर्स भी आप कर सकते हो। साथ ही साथ में इस कोर्स में आप पशु का ट्रीटमेंट करना और ये आप देखते हो तो वो BVSC वाले होते हैं, बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस उन्होंने कर रखा होता है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट कोर्स है वो है BMLT,
BMLT और DMLT दोनों लगभग सेम है, बस ये बैचलर कोर्स है और वो डिप्लोमा कोर्स है। DMLT डिप्लोमा कोर्स है और BMLT एक बैचलर कोर्स है जो कि 3.5 साल का होता है। और यहाँ पे बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, इसकी जो फुल फॉर्म होती है, ये बैचलर कोर्स होता है। अब हम बात करेंगे 12th बायोलॉजी BSc के बारे में। तो BSc में आप देख सकते हैं यहाँ पे जो BSc होती है वो 3 साल की होती है, फिर उसके बाद में MSc होती है जो कि 2 साल की होती है, और फिर उसके बाद में PhD होती है जो कि होती है 3 से 5 साल लगते हैं। 3 साल की PhD होती है और 2 साल का आपकी इंटर्नशिप होती है एज ए लेक्चरर, या फिर उसके बाद में आपके नाम के आगे डॉक्टर लगता है। ये भी इंटरेस्टेड सब्जेक्ट को आप लेके इसमें आगे बढ़ सकते हो। उसके साथ साथ में एक BSc होती है, BSc इन होम साइंस भी आप होती है जो कि 3 साल की होती है, ठीक है गाइस। और आप देख सकते हो ऊपर जो भी आपको शॉर्ट फॉर्म दिखी थी, तो उनकी यहाँ पे आपको फुल नेम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, या फुल फॉर्म आपको देखने को मिल जाएगी, नीचे की साइड पूरा ही आपको देखने को मिल रहा होगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब अपन शॉर्टली थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, क्योंकि दोस्तों छोटे जो बच्चे हैं अब उनको पता नहीं है कि इन चीज़ों को करने के बाद आप क्या क्या बन सकते हैं। नॉर्मली अपन बेसिक बात करेंगे तो सबसे फर्स्ट जो चीज़ आपको यहाँ पे MBBS दिख रहा होगा, इसके लिए आप डॉक्टर बन सकते हो। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट चीज़ है वो है नर्सिंग, इसके लिए आप हॉस्पिटल में जो कंपाउंडर होते हैं जो इंजेक्शन लगाते हैं, तो आपने देखे होंगे जो ड्रिप लगाते हैं वो आप बन सकते हो। साथ ही साथ में काफ़ी सारे अलग अलग भी काम होते हैं। और यहाँ पे दोस्तों ANM की अगर हम बात करें तो जो टीकाकरण करती है, या छोटे छोटे गाँव के अंदर जो टीके लगते हैं, तो वो ANM कोर्स कंप्लीट होने के बाद ही आपने देखे होंगे। और फिर उसके बाद में अगर हम बात करें फार्मासिस्ट की, तो अगर आपकी फार्मासिस्ट हो जाती है तो आप अपना खुद का मेडिकल शॉप भी डाल सकते हो, साथ ही साथ में आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर काम भी कर सकते हो एज दवाएँ देना पेशेंट को। साथ ही साथ में अगर पैरामेडिकल की हम बात करें तो यहाँ पे अलग अलग कोर्स हैं, सभी का अलग अलग रोल्स हैं। जो मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी होता है उसका आपने देखी होगी कहीं पे भी लेबों की जो जांचें होती हैं, चाहे वो मलेरिया हो, टाइफाइड हो, डेंगू हो, CBC हो, तो उनकी जो टेस्ट होते हैं वो रन लैब टेक्नीशियन करता है। तो एज अगर आपका डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी कंप्लीट हो जाता है और आप लैब के अंदर काम करते हो, तो आपने देखे होंगे जो जांचें लगती है वो यही कोर्स कंप्लीट होने के बाद लगाते हैं। साथ ही साथ में आप खुद का ऑन लैब भी खोल सकते हो, खुद का अपना पैथोलॉजी अंडर पैथोलॉजी आप खुद का ऑन लैब भी रन कर सकते हो। और उसके बाद जो नेक्स्ट कोर्स है एक्सरे वाला, जो भी एक्सरे करता है, तो वो होता है डिप्लोमा इन रेडिएशन टेक्नोलॉजी, आपने देखा होगा। और उससे जो सीनियर पोस्ट होती है वो रेडियोलॉजिस्ट होता है, जो कि एक MBBS होता है, और ये असिस्टेंट होता है, जो जैसे पेशेंट की पोजीशन सेट करना, एक्सरे एक्सपोज करना, फिर उसके बाद में जो और काफ़ी सारे अलग अलग काम भी होते हैं। और फिर उसके बाद में जो डेंटल डिप्लोमा इन डेंटल टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करते हैं, तो दांतों से रिलेटेड अगर कोई भी काम होता है तो वो ये डिप्लोमा करने के बाद आप कर सकते हो दांतों से रिलेटेड। फिर उसके बाद में अगर आपको ऑपरेशन थिएटर के अंदर या उनके अंदर अगर आपको इंटरेस्ट है तो डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी अगर आप कर लेते हो तो आप किसी भी हॉस्पिटल या किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में आप काम कर सकते हो। और फिर उसके बाद में यहाँ पे अलग अलग डिप्लोमा है, नाम से ही अलग अलग उनको पता चल रहा होगा। मान लीजिए डिप्लोमा इन ब्लड बैंक टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करते हैं, तो ये आप ब्लड बैंक का तो अपन ने बात कर ली, ब्लड बैंक के अंदर आप किसी भी पेशेंट को ब्लड दे सकते हो। और फिर उसके बाद में ECG की अगर हम बात करते हैं, डिप्लोमा इन ECG टेक्नोलॉजी, मतलब आप ECG ये डिप्लोमा करने के बाद आप किसी भी बड़े हॉस्पिटल में ECG कर सकते हो। और फिर उसके बाद में हम बात करेंगे नीचे यहाँ पे BSc अगर आपको दिख रहा होगा, तो BSc अगर आप कर सॉरी गाइस, और यहाँ पे अलग अलग कोर्स भी दिख रहे हैं। अगर आयुर्वेदिक के अंदर जाना है तो आपको ये कोर्स भी कर सकते हो। साथ ही साथ में अगर आपको BDS का अगर डॉक्टर बनना है, डेंटल से रिलेटेड अगर आपको इंटरेस्ट है, तो आप BDS कर सकते हो। और उसके साथ ही साथ में होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी से रिलेटेड अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप ये भी कोर्स कर सकते हो। और उसके साथ ही साथ में अगर आपको पशु से रिलेटेड अगर इंटरेस्टेड है तो आप
BBSC कर सकते हो, बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस आप कर सकते हो, और अगर लैब से रिलेटेड इंटरेस्ट है आप BMLT कोर्स कर सकते हो। फिर उसके बाद में अगर हम बात करेंगे BSc की, तो BSc में काफ़ी सारा स्कोप है, BSc में भी काफ़ी सारा स्कोप है, चाहे वो बोटनी हो गया, माइक्रोबायोलॉजी हो गया, जूलॉजी हो गया, अलग अलग इन लैबोस के अंदर भी काम कर सकते हो, क्योंकि इनकी सेपरेट सेपरेट लैब्स होती हैं। MSc करने के बाद आप माइक्रो की लैब में काम कर सकते हो, जूलॉजी की, केमिस्ट्री की लैब में काम कर सकते हो, और PhD होने के बाद दोस्तों आप खुद के नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हो, साथ ही साथ में एज ए लेक्चरर पोस्ट आप कहीं पे भी पढ़ा सकते हो, और उसके बाद में काफ़ी सारे हैं। और फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो BSc इन होम साइंस करने के बाद आप इसमें भी काफ़ी अच्छा स्कोप कर सकते हो। और आज की इस वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू सो मच, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर कमेंट कीजिए। उसके साथ ही साथ में अगर आपको मुझे कुछ पूछना है या मुझसे अगर आपको कॉन्टैक्ट करना है, तो उसके लिए सिंपली डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मेरा इंस्टाग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा, तो आप मुझे सीधा ही इंस्टाग्राम के ऊपर अगर फॉलो कर लेंगे तो वहाँ पे जो भी आपके क्वेश्चन हैं मैं उनका जवाब दे दूँगा। और साथ ही साथ में डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको सभी के लिंक्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। और अगर इस PDF को डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, आप सीधा ही उसको ज्वाइन करेंगे तो ये PDF आपको डाउनलोड हो जाएगी। आप चाहे आपका कोई रिलेशन वाला है तो उसको भी ये PDF शेयर कर सकते हो। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू सो मच, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, थैंक यू सो मच।